देखिए दोस्तों, ये हमारा DCM है, मार्शलिंग कैबिनेट है। ये हमारा AI बैरियर है, ये हमारा AO बैरियर है। दो बैरियर है। तो जो पोजिशनर का जो कमांड जाता है वो AO के थ्रू जो है बैरियर के थ्रू जो जाता है। अभी आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले आपका अभी मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो टैग देख रहे हैं B20 IT BDA 0006, तो ये इसमें हमारा AO और AI दोनों के लिए यूज़ किया गया इस टर्मिनल ब्लॉक में। तो अभी सपोज़ हमारा पेयर नंबर 4 यूज़ हो रहा, पेयर नंबर 4 हम देख रहे हैं 7-8 है, तो ये केबल हमारा देख रहे हैं RBAI 37 है या RBAO 24 है। तो ये हमारा जो है 24 का 1-2। अभी आपको मैं देखिए, ये हमारा RBAO 24 यहाँ पर है, तो इसमें AO का हमारा जो है केबल इधर कनेक्ट हुआ इस साइड में, इसका आउट हमारा देख रहे हैं AO का, ये हमारा AO 16 RFT A006 का 15 और 16 नंबर में गया है, देखिए यहाँ कनेक्ट। और ये आपको एक जो केबल देख रहे हैं, ये हमारा DCS जो है सिस्टम कंट्रोलर में गया है। तो कंट्रोलर से हमारा यहाँ आया, यहाँ से हमारा बैरियर में गया और बैरियर से हमारा सीधा टर्मिनल ब्लॉक के, ये हमारा फील्ड केबल है, यहाँ से हमारा फील्ड JB में जाएगा और फील्ड JB से हमारा एक ब्रांच केबल निकलेगा जो हमारा पोजिशनर में जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा मार्शलिंग DCS और फील्ड का आपने समझ गया होगा। इस तरह से हमको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस तरह का चेक करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आप तक, हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचाने के लिए। थैंक यू।